हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बहुत एलिगेंट डिजाइंस समर कुर्ता सेट्स के। ना सिर्फ कुर्ता के डिजाइन्स यहाँ पे गौर करने लायक हैं, बट आल्सो हमने कुछ मिनिमल सटल और एलिगेंट डिटेल्स इनके दुपट्टाज में भी दी हैं। तो ओवरऑल एक सूट सेट के क्या डिजाइन्स आप अपने समर कुर्ताज में ऐड कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो है, तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो याद से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको डिजाइन से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब हमारी वीडियो से नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। आपको कंसल्टेशन का प्रोसेस और उसकी जो फी है उसका कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ईमेल में ही दे दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले है ये कैरोलिना ब्लू सूट सेट। ये जो कलर है ये समर्स के लिए एक परफेक्ट कलर है और जो भी लोग पेस्टल कलर्स के शौकीन हैं इस कलर को अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। इसका फैब्रिक मलमल कॉटन है, बट जरूरी नहीं है कि आप ऐसे मलमल कॉटन को ही मार्केट में ढूंढने जाएं, आपको किसी भी टाइप का कॉटन मिले आप उसमें पैटर्न इजिली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका बॉटम है इसे हमने गैदर्ड हेम सलवार के रूप में बनाया है, यानी कि आपके जो भी प्लाजोज होते हैं उतना ही विड्थ में आपने अपना प्लाजो क्रिएट कर लिया, बस उसका जो बॉटम है उसे नीचे से आके आप गैदर कीजिए, प्लीट कीजिए, तो इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे कुर्ता के नेक पे जो पैच है इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉटम के फैब्रिक के हमने डिफरेंट स्क्वायर्स को कट किया और इन सबको ज्वाइन करके इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिख रहा है जिसमें लाइंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जा रही हैं। द रीजन इज कि वो डिफरेंट फैब्रिक पीसेस को ज्वाइन करके इस तरीके से बनाया गया है। पैच के आउटलाइन पे हमने व्हाइट फॉर्म लेस का इस्तेमाल किया है और सेम लेस हमने इसकी स्लीव्स पे भी लगाई है। मूविंग ऑन टू द दुपट्टा, हमने प्लेन मलमल दुपट्टा लिया। यूजली हम शिफॉन जॉर्जेट के दुपट्टा लेते हैं समर में, बट इस बार हमने जितने भी सूट्स बनाए उनके साथ हमने मलमल दुपट्टा को ही पेयर अप ज्यादा किया है। तो इसके साथ हमने प्लेन दुपट्टा लेकर उसे डाई करवाया, देन उस पे ये एक कस्टमाइज्ड लुक देने के लिए बॉटम के फैब्रिक की स्ट्राइप्स कट करके उसको इस पे अटैच किया है। देन दुपट्टा के चारों तरफ हमने प्लेन नेट फैब्रिक से प्लीटेड फ्रिल क्रिएट किया और इसे अटैच कर दिया है। आप इस फ्रिल को जितनी आपको इमेज में दिख रही है इसे हाफ साइज की भी रख सकते हैं फॉर अ मिनिमल लुक, या फिर ये एक मीडियम साइज है जो कि ज्यादा यू नो हाईलाइट नहीं होता। नेट को यूज करने का एक मकसद और होता है कि अगर आप कोई और फैब्रिक यूज करेंगे, कॉटन को ही यूज करेंगे, तो उसकी थिकनेस की वजह से ना वो काफी हाईलाइट हो जाता है। नेट ऑन द अदर हैंड इसमें शीयरनेस की वजह से आप कितनी भी नेट की फ्रिल लगा लीजिए वो फिर भी, क्योंकि वो उसमें वो ट्रांसपेरेंसी और शीयरनेस है उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो वो उतना हाईलाइट नहीं करती आपके गार्मेंट को। दैट्स वाई नेट की छोटी फ्रिल हमने यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट है लाइम ग्रीन कुर्ता सेट। ये इंटायरली कॉटन फैब्रिक में ही बनाया गया है। इसमें फैब्रिक्स डिफरेंट हैं कुर्ता के और बॉटम के यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑल्सो हमने इसमें एक कलर का हल्का सा हिंट ऐड करने के लिए इसमें पेस्टल पिंक की किनारी का इस्तेमाल किया है सिर्फ नेकलाइन पे। अब इतनी पतली किनारी को यूज करने का मकसद ये होता है जब भी आप मिनिमल लुक्स बनाए, मिनिमल से मतलब होता है कम और सटल, यानी कि बहुत ज्यादा उभरी हुई चीज कोई आपको ना दिखे, बहुत ज्यादा हाईलाइट कुछ ना हो, सटल हो, कम डिटेल्स हो, सिंपल हो बट एलिगेंट हो। दैट्स वाई हमने एक बहुत पतली पेस्टल पिंक की किनारी का इस्तेमाल इस पे किया है। अगेन फॉर द दुपट्टा हमने यहाँ पे बॉटम और कुर्ता दोनों के जो फैब्रिक्स हैं उनको साथ में जोड़कर ये ब्रॉड बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड अगेन पिंक किनारी को दुपट्टा के चारों तरफ लगाया गया है। अगर आप इस तरीके के कस्टमाइज्ड दुपट्टा क्रिएट करना चाहते हैं अपने आउटफिट्स के साथ, अपने कुर्ताज के साथ मैचिंग, तो ध्यान रखिए आपको रनिंग फैब्रिक्स में से अपने सूट सेट्स का फैब्रिक लेना होगा। जो आपको रेडीमेड मिलता है उसमें से इतना बचेगा नहीं कि आप दुपट्टा के बॉर्डर्स और इस तरीके के पैटर्न्स उसमें से क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है अर्दी न्यूट्रल कलर। जो भी सैंड लाइक कलर्स होते हैं, मिट्टी के जैसे रंग होते हैं, उनको अर्दी कलर्स कह दिया जाता है। तो ये जो कलर स्कीम है इट्स परफेक्ट टू पेयर अप विद मरून, जो कि एक और अर्दी कलर ही है। जो भी डार्क डीप मरून्स होते हैं वो भी आप अर्दी कलर्स के साथ उसे पेयर अप करेंगे तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे अगेन हमने मलमल का ही इस्तेमाल किया है। मलमल बहुत ही पतला फैब्रिक होता है, सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत रहती है आपको भी लाइनिंग लगानी पड़ेगी, एंड ऑल्सो अगर आप फिटेड कुर्ताज पहनते हैं तब भी आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज मलमल में स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं पहन पाएंगे अंटिल और अनलेस आप एक लूज फिट कुर्ता या ट्यूनिक बनवाएं। सो अगर आप कुर्ताज बना रहे हैं तो आप कॉटन की पतली सी लाइनिंग इसमें जरूर ऐड करवाइएगा सो दैट ये लॉन्ग टर्म तक चले और इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। नाउ बिकॉज एक प्लेन फैब्रिक और प्लेन कुर्ता सेट है हमने इसमें टक्स ऐड कर दिए हैं सो दैट इसमें एक टेक्सचरल इफेक्ट आ जाए। एंड ऑल्सो इन टक्स को क्रिएट करने के लिए हमने मरून थ्रेड का इस्तेमाल किया है जो कि
एक कॉम्बिनेशन में क्रिएट किया गया इसके दुपट्टा के साथ। दुपट्टा को इस पूरे लुक के साथ मैचअप करने के लिए उसका जो बॉर्डर है वो भी हमने इसी कुर्ता सेट के फैब्रिक से क्रिएट किया है। प्लेन बॉर्डर यूज किया है क्योंकि दुपट्टा प्रिंटेड है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इस पे किसी भी टाइप का डिजाइन पैटर्न बनाने के लिए। नेक्स्ट है रेयॉन कुर्ता सेट। नाउ ये जो पैटर्न है, ये जो कलर स्कीम है, ये जो फैब्रिक है, ये परफेक्ट है समर कुर्ता के लिए। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, ये सिंपली एक कुर्ता और बॉटम सेट है। प्लाजो जो है उसकी जो विड्थ है वो रेगुलर आपके जो स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट प्लाजोज होते हैं उससे थोड़ी ज्यादा रखी गई है। काफी इजी और कंफर्टेबल स्टाइल है ये। एंड ऑल्सो अगर आप इसको पास से देखेंगे तो इस पे ये हैंड एम्ब्रॉयडरी से रनिंग स्टिचेस क्रिएट की गई हैं। इसके फ्रंट सेंटर फ्रंट को हाईलाइट करने के लिए, नेक को हाईलाइट करने के लिए, ऑन द स्लीव्स एंड ऑन द पॉकेट्स एज वेल। ऐसे जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं ना, इनको आप दूर से नोटिस नहीं करेंगे। यू विल थिंक कि इतना प्रिंटेड आउटफिट है उस पे ये हैंड स्टिचेस दे दिए, वो वैसे भी नहीं दिख रहे, तो प्लेन पे ही ऐसा काम होना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, आप किसी भी टाइप के डिजाइन एलिमेंट जब भी अपने आउटफिट में ऐड करें तो इस सोच से मत कीजिए कि सिर्फ वही एलिमेंट दिखे तभी फायदा है। अगर दिख ही नहीं रहा तो उसे ऐड करने का मतलब क्या है। कस्टमाइज्ड डिजाइनर आउटफिट्स में यही चीज होती है कि उसके बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आउटफिट में मर्ज होते हुए होते हैं। उस पर इतनी मेहनत की जाती है, इतनी डिटेल दी जाती है, बट अगर हर चीज उभर के बाहर दिखेगी तो वो एक बैलेंस्ड लुक कभी नहीं बनाएगा। सो इस तरीके के जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, एम्ब्रॉयडर डिटेल्स होते हैं, ये आपके आउटफिट में कस्टमाइज्ड लुक ऐड करते हैं और इस चीज को दर्शाते हैं कि आउटफिट की फिनिशिंग में और उसकी कम्प्लीशन में कितने बारीकी से ध्यान दिया गया है। यहाँ पे इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि सिमिलर पैटर्न है। तो आपने डमी पे इस आउटफिट को देखा है, लेकिन अगर इसे पहना जाए ऑन अ ह्यूमन बॉडी ये इस तरीके से दिखेगा। That's it everyone. I hope you like today's video. और आपको हमारे designs और patterns पसंद आए होंगे। बहुत minimal और subtle details हैं। तो अगर आप इस season में अपने लिए कोई भी कुर्ता sets बनाना चाहते हैं, इस तरीके की details आप उसमें add कर सकते हैं। Thank you so much everyone.